प्याज सम्राट 30 काले सम्राट बहुत ही अच्छी फिल्म है जिसको हमने बड़ी श्रद्धा से बनाया। हम चाहते हैं कि सब भक्तजनों को पसंद आएगी। भक्ति से बनाई है तो डेफिनेटली भक्तों को भी पसंद आएगी। और काफ़ी मेहनत इसमें किया है हमारे प्रोड्यूसर ने, एक्टर ने भी काफ़ी मेहनत की है, साथ में हमारे डायरेक्टर ने भी अच्छा डायरेक्शन किया है। तो लगता है कि हाँ कि फिल्म अच्छी बनी है और पसंद आएगी लोगों को। शुरुआत तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे तो हमारे पूर्वज विट्ठल भक्त है, मैं एक साई भक्त हूँ। तो मेरे डायरेक्टर ने मुझे अप्रोच किया कि ये फिल्म बनानी है और इनका कंसेप्ट मुझे पसंद आया और बाबा की फिल्म है, इसके लिए मैंने इसमें इन्वॉल्वमेंट लिया और तभी से हमने इस फिल्म को चालू किया है। और आज शूटिंग का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, आज पोस्ट प्रोडक्शन का काम आज शुरुआत हुआ। इसी तरह हमने यहाँ पे इस फिल्म को पूरी करने की कोशिश कर। देखो, लोगों को तो यही कहना चाहूँगा कि दिल से और अपने से बनाई हुई फिल्म है भक्ति से, तो लोग इसे थिएटर में जाए और अच्छे देखे और इसको ज़रूर उनको पसंद आएगा। इनके गाने और ये सब कुछ अच्छे हैं तो लगता है कि लोगों को पसंद आएगा। बोलिए। अच्छा, ये बाइट इधर से। ओम साई राम। सबसे पहले फिल्म आने वाली है ये कमांड के नाम से जी, किस तरह की फिल्म होने वाली होगी और आप खुद एक डायरेक्टर हैं तो फिल्म को आपने डायरेक्ट किया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये ब्रह्मांड नायक साईं बाबा, मैं समझता हूँ काफी दिनों के बाद एक साईं बाबा की भक्ति पूर्ण श्रद्धा से मैंने फिल्म बनाई है और पूरी हाई टेक्नोलॉजी जो होनी चाहिए थी मैंने सब यूज़ किया है। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, सभी को पसंद आएगा। और फिल्म की जो कहानी है कुछ हटके है, कुछ नयापन है, मिरेकल हैं, चमत्कार हैं बाबा के, अनछुए पहलू हैं बाबा के। और मिलन गुना जी ने जो साईं बाबा का किरदार किया है वो काबिले तारीफ। जितना हम, खैर हम तो डायरेक्टर हैं अच्छा कहेंगे, लेकिन बहुत अच्छा काम किया। सबसे फर्स्ट पहचान में नहीं आते कि ये मिलन गुना जी हैं। बहुत अच्छा काम किया हमारे सभी कलाकारों ने, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, यंग जनरेशन के लिए मैंने बहुत अच्छे, बच्चों के लिए इवन गाना एक लिखा हुआ, तो गाने अच्छे हैं, फिल्म अच्छी बनी है। अब देखिए, सबसे पहले जो मैंने फिल्म का मुहूर्त किया था वो शिरडी संस्थान में किया था, मंदिर के अंदर, समाधि मंदिर में, और वहीं से मैंने शुरुआत की थी। फिर मैंने फिल्म सिटी में पूरा सेट लगा के सारी फिल्म सिटी में की, पंडरपुर में शूटिंग की मैंने, थोड़ा आउटडोर बाहर लोकेशन जहाँ जहाँ मुझे साईं बाबा की लगा वहाँ मैंने किया। म्यूज़िक राम लक्ष्मण का म्यूज़िक है इसमें, सुशांत का है, शंकर सुशांत और संजय राज, ये तीन म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। क्योंकि एक तो हमारी कहानी में 200 साल पहले जब बाबा की कहानी शुरू हुई थी, रियल स्टोरी, तो वो म्यूज़िक राम लक्ष्मण ने जो दिया है बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर कुछ गाने आज के लोगों के लिए हैं तो वो शंकर सुशांत ने किए और संजय राज ने, और गाने तो आपके सभी बड़े बड़े जो भी आज सिंगर हैं, काफ़ी नाम हैं, उदित नारायण हैं और रूप कुमार राठौर हैं और अली, इस तरह से सभी अच्छे आर्टिस्टों से, सिंगरों से मैंने गाने गवाए हैं। गाने अच्छे हैं और गाने मैंने ही लिखे हैं, ये सारी पिक्चर इन ऑल बहुत अच्छी है। देखें,
ऑडियंस से तो यही कहूँगा कि आप बस श्रद्धा के साथ ये पिक्चर एक बार ज़रूर देखिए। इसमें आपको साईं बाबा का पूरा जीवन और जो मिरिकल, जो चमत्कार अभी तक नहीं दिखाए थे वो मैंने कोशिश की है इसमें दिखाने की, आप ज़रूर देखिए। हमें सबसे अनुरोध है पिक्चर ज़रूर देखिए। जय साईं राम, जय साईं राम।